हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है और किसकी होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हम ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है वो मैं बताता हूँ, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है वो बताया तो मैं आपको। पहले तो इट स्टेट्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स या फिर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी में जब हम इन तीनों एंगल का सम करते हैं, जो भी ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, जब इन तीनों का एंगल का सम करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा, और इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसको यूज कब करेंगे? जब भी हमको दो एंगल दे रखे हो, मान लो हमको एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी हमको फाइंड करना है, तो वही हम वैल्यू रख देंगे बस। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल सी हमको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमको मिल जाएगा 180 डिग्री, 120 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो एंगल सी हमको मिल जाएगा, एंगल सी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमको यहाँ से एंगल सी मिल जाएगा। तो ये हमने किसके थ्रू फाइंड किया? एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू।